भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिन्हाना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, आओ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। है वो उधर ये भी टाकी है, उस पे एक लेडी गिरी थी। यहाँ के लोग अगर पानी देंगे तो ही वो साफ कर पाते। टॉर्च भी लेके फिर भी डर लगता रहता, ऐसा ना कोई आ जाए। दिल्ली की टीम आई थी सर्वे करने के लिए, कुछ ही घंटों में वहाँ पर उन्होंने टॉयलेट सारे अच्छे खासे बना दिए, और जैसे ही वो निकल गए फोटो निकाल के लगाने के बाद फिर निकल। अब बच्चे खेलने को आते हैं, कभी उसके अंदर जाएंगे क्यों मुमरा के साथ ये सौतेला व्यवहार किया गया है, इसका जवाब TMC को देना ही पड़ेगा। ये भी टॉयलेट्स है जिसमें ये ऑफिसर्स बैठते हैं, वो सारे ऑफिस के टॉयलेट को ताले मार देंगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के सम्राट नगर इलाके में। दरअसल आपको बता दें कि मुमरा शहर में जो भी थाने मनपा के द्वारा जो शौचालय बनाए गए हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। ना ही उनमें बिजली का कनेक्शन है, ना ही उसमें साफ सफाई है, ना ही दरवाजे लगे हुए हैं, और इतनी हालत ख़राब है कि रात के समय महिलाएं मनपा के शौचालय में जाने के लिए सोचती हैं, काफ़ी उन्हें डर महसूस होता है। इस समय सम्राट नगर में है हम, और मनपा द्वारा बजट भी निकाला गया है शौचालय को जो है उन्हें रिपेयरिंग करने के लिए। पल्लवी मौजूद है यहाँ पर, क्या बताएंगे आप कि जिस तरह से मनपा द्वारा बजट भी निकाला गया है हाल ही फिलहाल में, कि जो मनपा द्वारा शौचालय है वो स्वच्छ रहे और उनका रिपेयर करके काम भी किया जाए। कितना रिपेयर हुआ है आपके वार्ड में, और मुमरा में कितना बजट पूरा टोटल आया है, वार्ड नंबर 31 में कितना बजट आया है? सलामुद्दीन भाई, आपने देखा है अभी टॉयलेट की हालत कितनी खस्ता और ख़राब हो गई है। पूरे मुमरा प्रभाग समिति में कम से कम 70 लाख रुपये का बजट आया है जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं उन सबके लिए। और हमारे प्रभाग क्रमांक 31 जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नगर, गावदेवी, संजय नगर, सम्राट नगर, हनुमान नगर 1, हनुमान नगर 2, इन सभी के लिए 17 लाख रुपये आया है। जुलाई महीने में इसकी लिस्ट निकली थी, उसके पहले हम लोगों ने सर्वे करके TMC को दिया था कि यहाँ पर अभी बजट की ज़रूरत है। पिछले 1.5 साल से प्रशासन राज चल रहा है, प्रशासन ही ये सब चीज़ों के लिए काम कर रही है। जुलाई में लिस्ट आती है, दिवाली तक हम रुके कि वर्क ऑर्डर आने तक भी हम लोग वेट करते कि काम शुरू हो जाएगा। दिवाली के बाद से लेकर आज तक हम लोग अधिकारियों को सिर्फ फ़ोन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं, वो आता है थोड़ा बहुत कुछ करता है निकल जाता है। टाइल्स लगाने का काम शुरू करता है, वापस वो टाइल्स निकालता है, पूछेंगे तो बोलता है अधिकारियों ने, यहाँ के डिप्टी इंजीनियर है उन्होंने उनको कहा है कि टाइल्स निकाल दो, दूसरे टाइल्स लगाने के बाद फिर निकाल। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो टाइल्स का काम चालू किया था उन्होंने, बंद कर दिया। वो छोड़ो, हम आप एटलीस्ट दरवाजे, पानी, लाइट और साफ़ सफाई यहाँ की, ये तो सुविधा देखो। साफ़ सफाई के लिए भी आउटलेट नहीं है, यहाँ के कर्मचारी आते हैं, पानी नहीं है, यहाँ के लोग अगर पानी देंगे तो ही वो साफ़ कर पाते हैं। तो TMC अगर पानी भी नहीं दे सकती है तो खुद को जो स्मार्ट सिटी प्रिटेंड करती है, स्मार्ट सिटी का बैनर लगा के घूमती है, साल में एक बार जब दिल्ली की टीम आती है सर्वे के लिए तो कोई भी नीचे का जो उनको इजी पड़े एक्सेसिबल टॉयलेट है, अभी की बात है उन्होंने अंबेडकर नगर टॉयलेट में, आप ही ने शायद वो मुद्दा उठाया था कि वहाँ पे जब दिल्ली की टीम आई थी सर्वे करने के लिए उन्होंने तुरंत कुछ ही घंटों में वहाँ पर उन्होंने टॉयलेट सारे अच्छे खासे बना दिए, कलर कर दिया, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगा दिया, वॉश बेसिन, पानी, फटाफट 2 घंटों में उन्होंने हैंडीकैप भाइयों का टॉयलेट बनाया। और जैसे ही वो निकल गए फोटो निकाल के सारी चीज़ें उतार के लेके गए। ये काम ये इस स्मार्ट सिटी TMC का है। तो मैं मांगनी करती हूँ आपके ज़रिए कि आप मुमरा प्रभाग समिति को स्मार्ट सिटी में से हटा दीजिए, क्योंकि मुमरा में हमें एक भी स्मार्ट टॉयलेट या कुछ भी ऐसी स्मार्ट सुविधा है TMC की तरफ से तो दिखी नहीं। बजट कितना है हमारे प्रभाग समिति में? ऑल ओवर मुमरा के लिए 70 लाख रुपये कम से कम आया, मैं आपको लिस्ट देती हूँ, और प्रभाग क्रमांक 31 के लिए 17 लाख रुपये आया है। कितने टॉयलेट? 8 टॉयलेट है इसमें,
आठों के आठों टॉयलेट की हालत ये तो है, इससे भी बदतर हालत है। मैं आपको वो भी टॉयलेट्स दिखा दूंगी, उसकी हालत बहुत ख़राब है। पानी नहीं है यहाँ पर, आउटलेट नहीं है बाहर, जब गंदगी बाहर ही नहीं जाएगी, सारे चौकअप होते हैं, बहुत हालत खराब है सलाम भाई। दिन में तो उजाला रहता है लेकिन रात में तो यहाँ काफी अंधेरा रहता होगा, फिर बहुत डर लगता है, अंधेरा रहता है इधर तो। टॉर्च भी लेके फिर भी डर लगता रहता है, ऐसा ना हो कोई आ जाए, ऐसा डर लगता है। ऊपर से वो गटर भर गए ना तो पूरा पानी हमारे सामने से जाता है, गंदा पानी, पूरा गंदा गंदा जाता है। कितना टाइम हो गया ऐसे ही गया है पानी। लाइट है नहीं, नहीं इसमें लाइट ही नहीं है तो पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं, कुछ नहीं है। वो गंदा पूरा गटर भर गया ना, फुल कुछ नहीं, पूरा बाहर आता है, जैसे बरसात का कैसा हाथ तो पहुंचे वैसे जाता है, पूरा गंदगी रहती है। ये ठाणे मनपा का शौचालय है, दिखाएंगे, इसमें दरवाजे भी नहीं लगे हुए और जो टाइल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं वो भी टूटे हुए हैं। और एक चीज़ और आपको दिखाएंगे, पल्लवी जी आप यहाँ पर आए थे और भी कोई बच्चा अगर आता है यहाँ पर तो ये देखिए ये टूटा हुआ है, खुला हुआ है, ये क्या पानी की टंकी है क्या, ये पुरानी पानी की टंकी है, इस पर ढक्कन वगैरह नहीं लगा है, अगर पहले था उसने अभी कोई अगर आके गिर गया इसमें तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी टीएमसी। बच्चे आते हैं ना यहाँ, हाँ बच्चे खेलने को आते हैं, कभी उसके अंदर जाएंगे अगर इसमें गिर गया कोई, किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर है, इसका जिम्मेदार कौन है, कोई बच्चा जाएगा उसके अंदर गिरेगा, उधर कोई दोपहर में आता ही नहीं तो बच्चे को कुछ बाद में सब होने के बाद आएंगे टीएमसी। बाहर की तरफ उनको गेट लगाना है, उन्होंने गेट भी नहीं लगाया है। अगर 15 दिन के अंदर टीएमसी आटो के आटो टॉयलेट और पूरे मुमरा प्रभाग समिति के टॉयलेट अगर ठीक से रिपेयर नहीं करती है, सारी सुविधाएं नहीं देती है, तो हम सब मिलकर मुमरा प्रभाग समिति के जितने भी टॉयलेट्स है जिसमें ये ऑफिसर्स बैठते हैं वो सारे ऑफिस के टॉयलेट को ताले मार देंगे। इसका क्या कहना है, अगर गिर गया हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी टीएमसी को लेनी पड़ेगी, टीएमसी को लेनी है इसकी जिम्मेदारी। ये इसके लिए गिरी थी, उसको उठाया गया। अच्छा, अभी तो वो बनाया गया है, क्या है वो उधर, ये भी टाकी है, उस पर एक लेडी गिरी थी, उसको अच्छा हुआ सुबह के टाइम पे गिरी करके देखा, अगर दोपहर में रात में आती तो कोई नहीं देता था, उसका जान जाता था उसके अंदर जाती तो, ऐसा इधर बहुत तकलीफ है। जरूरत पड़ती तभी लोग यहाँ आते हैं, अगर उसमें कोई बच्चा गिर गया कोई नहीं सुन पाया तो फिर, और काफी गहरा भी है वो, ये पहाड़ी इलाका है, इस तरफ के लोगों को यही टॉयलेट्स, ये सार्वजनिक शौचालय ही उनको यूज करना है। हमारे सबके नीचे जो लोग रहते हैं सबके घर में, और टीएमसी ने जो भी नीचे के टॉयलेट्स आप देखोगे उनकी हालत बहुत अच्छी है, उधर उन्होंने वो मोबाइल टॉयलेट लाके रखे हैं, सुलभ शौचालय बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ पर यहाँ के रहवासी रहते हैं, क्यों मुमरा के साथ ये सौतेला व्यवहार किया गया है, इसका जवाब टीएमसी को देना ही पड़ेगा। तो आपने सुना कि काफ़ी जो है बेकार हालत है और इस शौचालय का जो है काम करके बनाया जा रहा है, लेकिन देखेंगे किसी भी शौचालय में ऐसा दरवाज़ा नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि ये मनपा द्वारा कनेक्शन लगाया गया, तब से ऐसे ही सिर्फ लगा के छोड़ दिया गया, इसमें जो है लाइट आई नहीं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ कहीं से वायर जोड़ के इसमें लाइट लिया, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि लाइट है नहीं, जलता नहीं है, काफ़ी अंधेरा रहता है रात के समय, महिलाओं के लिए खतरा जो है यहाँ पर महसूस कर रही हैं महिलाएं आने के लिए। लेकिन एक आपको दिखाया जो पानी के लिए पुरानी टाँकी बनाई गई है वो खुला हुआ पड़ा है, कभी अगर उसमें कोई छोटा बच्चा गिर गया तो एक बहुत बड़ा हादसा इसमें हो सकता है। वहीं पल्लवी का कहना है कि अगर 15 से 20 दिन के अंदर जो 8 शौचालय हैं वार्ड क्रमांक 31 के, अगर इन्हें दुरुस्त नहीं किया गया तो मुमरा प्रभाग समिति के जो शौचालय है जहां पर मनपा अधिकारी जाते हैं उन शौचालयों को ये ताला मारने का काम करेंगी।